नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कोयला ब्लॉकों की नीलामी के सातवें दौर की प्रक्रिया नई दिल्ली में आज से शुरू होगी। सरकार ने कहा, हाल की बेमौसम बारिश से गेहूं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ा है। भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर के पार पहुंचा। पाकिस्तान में देश के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए एक विधेयक लाया गया। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत के अभियान की शुरुआत करेंगी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में 106 कोयला ब्लॉक की नीलामी के सातवें दौर की प्रक्रिया शुरू करेगा। कोयला खदानों का चयन निवेशकों की मांग के आधार पर किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है, ताकि आर्थिक वृद्धि और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो सके। कोयला मंत्रालय ने 3 वर्ष से कम समय में 87 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिससे लगभग 33,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से कोयला खदानों की पहली वाणिज्यिक नीलामी का जून 2020 में शुभारंभ किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है तथा यह उपलब्धि आजादी के 75वें साल में हासिल हुई है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि व्यापार और सेवा दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कहा कि G20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक तौर पर एक अनोखा अवसर दिया है, जिसका लाभ भारत के कारोबार को दर्शाने के लिए उद्योग और व्यापार जगत को उठाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू आपूर्ति पूरी करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बरसात के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद भी इस वर्ष कुल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112 मिलियन टन रहेगा। कृषि मंत्रालय के एक अन्य आकलन के अनुसार सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष में गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112.18 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त है। श्री मीणा ने कहा कि सरकार गेहूं फसल की सरकारी खरीद शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम पंजाब से 13.2 मिलियन टन, हरियाणा से 7.5 मिलियन टन और मध्य प्रदेश से 8 मिलियन टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बन रही हैं। कल नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय परिसर में नव निर्मित सभागार और आवासीय भवन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा देश की भविष्यमुखी पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा युवाओं को अवसर देती है और इसे महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की तुलना विश्व की उन ऐतिहासिक पार्टियों से की जाती है, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने देश का भाग्य बदल दिया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम से खुश हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ये समझती है कि भ्रष्टाचार खत्म होने से ही राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने, कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानु का इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात के गांधीनगर में चल रही पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की दूसरी बैठक के तीसरे और अंतिम दिन आज तकनीकी सत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। 3 दिन की ये बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। कल भारत ने नमामि गंगे समेत विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन पर 4 विवरण प्रस्तुत किए। गांधीनगर में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने संवाददाताओं को बताया कि भारत की ओर से दी गई प्रस्तुतियों में नमामि गंगे परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है। 183 प्रोजेक्ट्स सीवेज ट्रीटमेंट के टेकअप किए गए हैं और उसमें तकरीबन 5658 मिलियन लीटर पर डे की जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी उसमें क्षमता है और बहुत सारे स्ट्रेचेज जो है आज की डेट में गंगा के ऊपर बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो फंक्शन हो चुके हैं और बहुत सारा एरिया अच्छी तरह से साफ हो गया है और थोड़ा सा जो एरिया है उसके बारे में और काम चल रहा है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दी गई प्रस्तुतियों के बारे में अपर वन महानिदेशक विवास रंजन ने बताया कि भूमि का क्षरण रोकने और संसाधनों की दक्षता बढ़ाने तथा चक्रीय व्यवस्था पर इसमें जानकारी दी गई। भारत ने दो तरह के थीम्स लिया है, एक वैसी जमीन जो फॉरेस्ट फायर से अफेक्ट होता हो परंतु उसका रेस्टोरेशन नहीं होता, दूसरी वैसी जमीन जो माइनिंग से इम्पैक्ट होता हो परंतु उसका रिक्लेमेशन नहीं होता। अगर इन दोनों जमीन को रिक्लेम कर दिया जाए और रिक्लेम तब तक किया जाए जब तक कि उसमें वहां की लोकल प्रजातियां का उद्भव ना हो, इस सीमा तक को हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कहते हैं और विश्व में 2040 तक 50% डिग्रेडेड लैंड को इकोलॉजिकली रेस्टोर करने का लक्ष्य G20 कंट्रीज ने वॉलेंटरली कमिट किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड आज मुंबई में व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। TIWG की बैठक के दूसरे दिन आज मुंबई में व्यापार से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसमें आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली, विश्व बैंक, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद सहित कई अन्य संस्थान अपना मत रखेंगे। बैठक के पहले दिन कल व्यापार वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह ने विश्व के हीरा केंद्र भारत डायमंड बोर्स का दौरा किया, जहां उन्हें भारतीय हीरा उद्योग के योगदान और नए अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। प्रार्थना समाचार मुंबई। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर ताराड ने कल नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वतः नोटिस लेने की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना है। सदन के प्रस्तावित विधेयक को कानून और न्याय से संबंधित स्थायी समिति को विचार और स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इस विधेयक को संघीय मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति दे दी है। उत्तरी मैक्सिको के निकट अमरीकी सीमा पर जुआरेज आव्रजन केंद्र में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको के राष्ट्रीय आव्रजन संस्थान के वक्तव्य में बताया गया है कि घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के समय केंद्र में मध्य और दक्षिण अफ्रीका के 68 लोग उपस्थित थे। आकाशवाणी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष अप्रैल महीने में अपनी 100वीं कड़ी पूरी कर रहा है। आइए सुनते हैं इस विशेष श्रृंखला की 29वीं कड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो की सफलता की प्रशंसा की है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात,
जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो की कामयाबी का जिक्र किया है। स्वाधीन भारत ने यूं तो हर क्षेत्र में लंबी यात्रा की है, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कुछ अलग है। देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम निरंतर ऊंची उड़ान भर रहा है। 15 फरवरी 2017 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दुनिया में मील का पत्थर बनकर आई। इसी दिन इसरो ने रिकॉर्ड 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख करते हुए 29 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। निर्वाचन आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। आयोग ने इस बारे में सुबह 11:30 बजे संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अपनी स्थापना का 69वां वर्ष मनाने के लिए पहली बार आज से स्प्रिंग फेस्टा 2023 आयोजित कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि हस्तशिल्प, चीनी मिट्टी के सामान, देशी कला और फैशन से संबंधित सामग्री के प्रदर्शन और बिक्री के लिए 50 से अधिक स्टॉल यहां पर लगाए जाएंगे। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज से मुख्य दौर के मुकाबले खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भारत की चुनौती पेश करेंगी। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, मोदी का कड़ा प्रहार, एक हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी। अमर उजाला लिखता है, जड़ें हिली, एकजुट हुए भ्रष्टाचारी, जांच एजेंसियों पर उठा रहे सवाल। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम बोले, भ्रष्टाचार में शामिल सब चेहरे एक मंच पर आ रहे। अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, 17 की उम्र में पहला केस, 61 साल की उम्र में पहली सजा। पीएफ में ब्याज में मामूली बढ़ोतरी, मिलेगा 8.15%, सभी अखबारों की खबर है। अग्निवीरों ने ली देश सेवा की शपथ, सचित्र राजस्थान पत्रिका सहित अधिकतर अखबारों की खबर है। अमीर देशों में आबादी घट रही, 50 वर्षों में रिटायरमेंट के बाद जीवन प्रत्याशा दोगुना बढ़ गई, ऐसे में बुजुर्गों से काम लेने की होड़ लगी है। दैनिक भास्कर ने यह खबर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। चांद की सतह पर बिखरे कांच के बेशुमार मोतियों में है अरबों टन पानी, चीन के वैज्ञानिकों का दावा, राजस्थान पत्रिका ने नई खोज शीर्षक के साथ यह खबर प्रकाशित की है। देश में पहली क्लोन गिर गाय की बच्चिया का जन्म, गंगा रखा नाम, दैनिक जागरण सहित कई अखबारों की सुर्खी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 7वें दौर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। सरकार ने कहा, हाल की बेमौसम बारिश से गेहूं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ा है। भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर के पार पहुंचा। पाकिस्तानी सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत के अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।